नमस्कार, आप लाइव जुड़ चुके हैं NES डिजिटल टीवी के साथ और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। खबर जम्मू नगरोटा से है। एक सेनाकर्मी है, उनकी पत्नी जो है वो फंदे से झूलती हुई मिलती है जम्मू नगरोटा से। बात जो है वो ये भी है कि साथ में ही वो एक नोट लिखकर छोड़ जाती है, सुसाइड नोट एक लिखकर छोड़ जाती है जिसमें साफ तौर पर लिखती है कि वो अपने पति और अपनी सास माँ से परेशान होकर फंदा लगा रही है अपने आप को। अक्सर हम लोग देखते हैं कि काफ़ी घरों में ऐसा होता है, मैं कहता हूँ काफ़ी घरों में ऐसा होता है कि सास बहू में अक्सर छोटी मोटी नोक झोंक या फिर पति पत्नी में नोक झोंक जो है वो हर घरों में होती है और ये कोई बड़ी खबर नहीं है, कोई बड़ी बात भी नहीं है कि नोक झोंक जो है वो नहीं होती होगी। पर यहाँ पर क्या होता है, मैं खबर आपको जरा थोड़ी विस्तार से बता दूँ। जम्मू नगरोटा में सेना की इंजीनियरिंग विंग में तैनात एक सेनाकर्मी की पत्नी अपने ही कमरे में फंदे से झूलती हुई मिलती है। उसकी पहचान शांति देवी निवासी उत्तराखंड के रूप में हुई है। कमरे में एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें पति और सास पर तंग करने का आरोप लगाया गया। उसने तंग करने का आरोप लगाया अपने पति पर भी और सास पर, और साफ तौर पर नोट पर लिखकर छोड़ देती है फंदा लगाने से पहले। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और सुसाइड नोट को जांच के लिए FSL के पास भेजा है। जानकारी के अनुसार शांति देवी का शव सेना फैमिली क्वार्टर नंबर 79H कोट जागीर नगरोटा में मिला। फैमिली क्वार्टर थे वहाँ पर उसका शव जो है मिला। सोमवार सुबह पति ने देखा और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी। वही जांच में एक सुसाइड नोट भी मिला, उसे जांच के लिए FSL के पास भेजा गया है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। ये बात थी कि एक पत्नी जो है अपने पति से तंग होकर या फिर सासू माँ से तंग होकर अपनी जान दे बैठती है। अब इसमें बड़ी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं कि ये झगड़े जो हैं ये कोर्ट तक चल रहे हैं। पत्नी जो है वो अपने पति से परेशान है, काफ़ी लंबे अरसे से कोर्ट केस भी चल रहे हैं, ये भी चीज़ें भी देखते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं, आप सीरियल्स भी देखते होंगे काफ़ी सारे, सासू माँ के साथ जो है वो नोकझोंक जो है वो बहू की होती है। मैं ज़्यादा तो कुछ कहूँगा नहीं इसके ऊपर, पर एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जो शादी होकर शादी इनकी लड़कियों की हो जाती है, जब वो अपने पति के घर पे जाती हैं तो ज़रूरी होता है कि उनको थोड़ा माहौल समझने में समय लगता है। वहाँ पर थोड़ा जो अपने घर पे वो जहाँ पे पहले से आई है वहाँ पर कुछ और माहौल रहता है, और जब वो अपने ससुराल जाती है तो उसका जो घर का माहौल है कुछ और रहता है। थोड़ा भांपने में भी समय लगता है, थोड़ा जल्दबाजियाँ लड़की कर बैठती हैं और जो है वो नोकझोंक शुरू हो जाती है। या फिर मैं उन सासू माओं को भी कहना चाहूँगा जो शायद ही बहुओं को अपनी बेटी जैसा नहीं समझती। हम लोग देखते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि लड़कियां ही सिर्फ इतनी बात करती हैं कि सासू माँ को अपनी माँ नहीं मानते। हम ये भी कहेंगे कि काफ़ी सारी सासू माएँ भी शायद ऐसी होंगी जो बेटियों जैसा अपनी बहुओं के साथ बर्ताव नहीं करती होंगी, कहीं ना कहीं भेदभाव ज़रूर करती होंगी, तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। पर ये कहीं ना कहीं समाज में अब देखने वाला ये है कि अगर वो कहीं परेशान थी, अगर वो सुसाइड नोट लिख सकती है, तो अगर इतनी परेशानी थी तो वो उस नोट के बजाय एक एप्लीकेशन जो है वो पुलिस को दे सकती थी, वुमेन सेल में दे सकती थी, एक एप्लीकेशन लिखकर दे सकती थी कि मैं अपने पति से परेशान हूँ या पति मुझे डांटता है मारता है या सासू माँ मेरे साथ गलत बर्ताव करती है, तो वो सुसाइड नोट की जगह एक एप्लीकेशन लिखकर एक कंप्लेंट देती। न्यायपालिका बनी है आपके लिए, बिल्कुल मैं कहता हूँ कि हो सकता है कि आप वो ज़्यादा परेशान हो, उसका दिमाग जो है वो काफ़ी दुखी, उसका जो मन है वो मरने को करता हो, पर ये कोई अल्टरनेट नहीं है। ये कवर करने का बस मेरा एक ही मकसद था कि मैसेज है उन तमाम लड़कियों को जिनकी शादी होती है वो अपने घर जैसा समझें, सासू माँ को अपनी माँ जैसा समझें, तो तभी घर चलेगा। और दूसरी तरफ मैं उन सासू माओं को भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपनी बहुओं को वैसा समझें जैसे आप अपनी बेटियों को पालते थे, प्यार करते थे। बने रहे आप हमारे साथ नई खबर के लिए, देखता रहे NES डिजिटल टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।